नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। व्यक्ति की चाहत कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ऐसे में अगर व्यक्ति की चाहत दूसरे से उसकी मेहनत का हिस्सा भी लेने की हो जाए तो वह उसके बर्बादी का अंत बन सकती है। दरअसल गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी चेतावनी दी थी इन चार चीज़ों की, मगर अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह उसकी बर्बादी का अंत हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र किताबों में से एक माना जाता है। इसी किताब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन चार चीज़ों की कामना करता है तो उसे जीवन में कष्ट और बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सी है वो चार चीज़ें। कभी भी व्यक्ति को दूसरे का भोजन, दूसरे का धन, दूसरे का उपहार और परस्त्री और दूसरे की निंदा करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपनी कमाई पर भरोसा करते हुए कभी भी दूसरे के भोजन पर अपना अधिकार नहीं समझे, क्योंकि वह किसी ने अपनी मेहनत से उसे खरीदा है। यदि व्यक्ति ने धोखे से किसी का धन हड़प लिया है तो उसके बदले उससे ज़्यादा गंवाना पड़ सकता है, जैसे किसी बीमारी या अन्य फिर खर्चों में। कभी दूसरे व्यक्ति की कमाई को अपना नाम करके दान ना करें। इससे व्यक्ति को कभी दान का पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि यह दूसरे की कमाई थी। दूसरी स्त्री की वासना महापाप है। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। ऐसा करने से व्यक्ति की छवि खराब नहीं होती है। अपनी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से खुद को खो देंगे। दरअसल आलोचना किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, इससे केवल नुकसान नहीं हुआ है, साथ ही निंदा करने वालों पर कभी भी कोई दोबारा भरोसा नहीं कर सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।